जो सबसे अनुभवी रहे हैं, सुनो नाम मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में, और पहले अपने हाथ हटाएंगे आप बोलने उधर करने को ना, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड के जो चेयरमैन है आपको बोले इधर करने के लिए, तो उनको हम लोगों ने एक बार प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया, इसके लिए जो औपचारिकता जो पूरी की गई है, विधानसभा की सेक्रेटरी को हम लोगों ने फॉर्म होता है नॉमिनेशन का, हम लोगों ने जमा किया है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोगों का जीत इसमें होगी। और बिहार विधानसभा का स्पीकर का जो पद होता है बहुत ही अहम है, अरे लिखना सकते हैं, ऊपर उठ करके सदन को बैलेंस करके संतुलन बना करके, चाहे सत्ता हो या पक्ष हो, विपक्ष हो, सभी लोगों को पक्ष विपक्ष को साथ लेकर के चलना, जो हाउस की कार्यवाही से लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से हाउस चले, पीछे और जनता शेखर थोड़ा सा दबा अंदर, थोड़ा सा नहीं है हाथ आ रहा है, पीछे कर सब भेदभाव किए हुए सभी सदस्यों को, सदस्यों की बातों को उसके लिए उचित कार्रवाई जो हो सके वो स्पीकर को करना पड़ता है, और एक जिम्मेदारी पद एक बड़ा पद जिसका हमको लगता है कि इसके लिए अनुभव काफ़ी आवश्यकता होती है। और अवध बिहारी चौधरी जी मामलों में पहली बार सदस्य बिहार विधानसभा, पहली बार ये बिहार विधानसभा के सदस्य 1985 में चुने गए थे, और उसके बाद से लगातार कई टर्म ये बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, और हर एक तरीके से सबसे उपयोगी उम्मीदवार हम लोगों ने पेश किया है, और पूरा भरोसा है कल सदन में जो है हम लोगों का पर शेखर तो पीछे हटना भाई, ए भाई मोबाइल, अरे चुप रह यार, आपको लगता है कि क्रॉस वोटिंग होगी? क्रॉस वोटिंग होगी इसमें तो देखिए भी तो जारी होता है, जब आप अध्यक्ष चुन रहे हैं बिहार विधानसभा को चुन रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो सबसे उपयुक्त सबसे अनुभवी है उनको लोगों को पहले से परंपरा सर्वसम्मति से सरकार के सामने मिलकर के भी ये मांग रखते हैं कि भाई डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष को जाता है, लेकिन इससे कोई कार्रवाई परंपरा तो यही है, नियमावली कहती है बिहार विधानसभा का कोई भी अगर ऐसी कोई परंपरा की बात नहीं है, लेकिन एनडीए चुनाव में आप लोगों ने भी देखा है जो लोकसभा में राजस्थान का मनोज झाजी आगे बढ़िया मत बोलो, उम्मीदवार बनाया हम आते हो भाई उसके मोबाइल को सारा तब बड़ा सब बड़ा, लेकिन एनडीए की तरफ से साइड हो जा भाई, हां तो लेकर बिहार में करो, हां हां हर जगह कैमरा तो एनडीए के सदस्य हैं, वे डीन ने कैमरा में आ रहा है यार, समझा कीजिए दूसरे को भी समस्या समझा दीजिए, चली रही है तो सबको साथ लेकर के चले।
भाषा से लेकर के सब कुछ अच्छा है। तेजस्वी जी की बात में तेजस्वी जी कहा जा रहा है कि अंतरात्मा क्या जागेगी, तो इस पर क्या करेंगे? बड़े बड़े आपके कोर्ट में मामले भी चल रहे हैं, सर्कुलर का हो या सीबीआई जांच भी चल रही है, लेकिन एक तो आश्चर्य की बात है ना कि बिहार की जनता ये सोचती है कि 60 बजे घोटाले होंगे, लेकिन अब तक बिहार सरकार का खजाना खाली हो गया, लेकिन अब तक कोई दोषी नहीं है। भूत तो पैसा चुरा के नहीं भागा है, किसी भूत ने बिहार सरकार की तिजोरी तो खाली नहीं की। कौन अधिकारी है भैया, सब जानना चाहते हैं। किसी ना किसी का दोष तो होगा जब सरकार ने स्वयं रहने दीजिए सर को 60 घोटाले रहने दीजिए विक्ट्री दिखाएंगे रुकिए अरे विक्ट्री दिखाएंगे 60 घोटाले जब मांग मानी है तो उसका जो है वो तो मानना पड़ेगा। तेजस्वी जी ट्रेड तेजस्वी जी एक सवाल है ट्रेड तेजस्वी जी हाँ। ट्रेड यूनियन का 26 तारीख को पूरे भारत में स्ट्राइक है मजदूरों के हकूक के लिए। हम लोगों का समर्थन हाँ। किसान मजदूरों का अमित भी आता था, खास तौर पे हम लोगों की पार्टी रही है, और नौजवानों की चाहे बेरोजगारी का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे मजदूरों का मसला हो, पलायन का मसला हो, गरीबी का मसला हो, बिहार में कोरोना हम सभी लोगों का साथ दिया है, और हमारी पार्टी में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई। नवरूना फाइल क्लोज करने के लिए आवेदन दे दिया है, सीबीआई ने नवरूना फाइल को क्लोज करने का आवेदन दिया है, लेकिन दोषी कौन है? इतने वर्षों में सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, दोषी है? कैमरा वहां लगा मोबाइल के बारे में जिसपे आरोप भी लगे वो भी चुप्पी साध रहे, हमको तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना, लेकिन यही तो हम कहना चाहते हैं 60 घोटाले हो गए लेकिन अब तक आपको दोषी नहीं मिले। जो नवरूमा कांड हुआ उसका दोषी कौन है? थोड़ा सा अंदर की तरफ रहना, छोटी मछलियों को पकड़ करके मोहरा बनाया जाता, बड़ी मछलियाँ बचती हैं, इसको इन सब पर जो है हम तो चाहेंगे कि फाइल क्लोज होना नहीं चाहिए बल्कि जस्टिस मिलना चाहिए उसके परिवार। तेजस्वी जी एक सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हो, बिहार में भी कोरोना जो है लगातार बढ़ता चला जा रहा है, पूरा एक चुनाव का आयोजन हुआ, सब कुछ हुआ, लगातार जो है आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, 412 केस कल के हैं। मोबाइल पीछे आंकड़े सही भी है कि जो हमारे सामने आंकड़े आ रहे हैं जो आंकड़े भी आ रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन वाकई में सही से जांच हो भी रही है कि नहीं, हमें तो बड़ा डाउट है। उस समय की बात हम बता रहे हैं, किडनी कार्ड तो कई ऐसे उदाहरण भी दिए थे, पिछला जो सत्र था ज्ञान भवन में वहाँ भी हमने कई उदाहरण दिए थे कि भाई जो व्यक्ति टेस्ट भी नहीं कराया उसका भी रिपोर्ट जो है नेगेटिव और पॉजिटिव आ जा रहा है, जिसने नहीं कराया तो जांच ये गंभीर मसला है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर। बिहार में कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल अब तक नहीं बने, शेखर भाई पीछे कैमरा जरा, डेडिकेटेड को कोरोना क्योंकि ये बीमारी का वैक्सीन कब आएगा कब जाएगा इसका आपको नहीं पता, किसी को नहीं पता, सरकार ने तो वादा किया है फ्री देंगे, क्या काम किया गया तो उस पर हमको लगता है कि पूरी पारदर्शिता वो बताएं, और हमको तो इसमें भ्रष्टाचार का भू आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से आंकड़े अब तक कितने टेस्टिंग कर रहे हैं, कितना पैसा खर्च किया गया मजदूरों के लिए, कितना पैसा खर्च किया गया, बैठक करने से कोई असर पड़ेगा जिस तरीके से लॉग बैठक हो गया, बढ़ा कि घटा, कुछ बना कि बिगड़ा, इलाज हो रहा है नहीं हो रहा, टेस्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे,
बैठक आप सामने भी ठीक सर, आवाज दे बता देते भैया थोड़ा सर, मोबाइल पीछे, मोबाइल पीछे, मोबाइल भाई, मोबाइल भाई, बहुत हल्ला करता है। रिपोर्टर कहा उसको बोलो, अरे मोबाइल थोड़ा साइड कीजिए, आपको 10 बार बोला जा रहा है। मुझे बिहार विधानसभा में अध्यक्ष चयन किया है और मैं नामांकन भी किया अपने तरफ से गठबंधन के तमाम अपने माननीय नेता के प्रति मैं धन्यवाद और भरोसा है कि विधानसभा में स्पीकर के पद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस पद पर हम अपने माननीय विधायकों के सहयोग से निर्वाचित होंगे दीपक और थोड़ा सा आगे पीछे करना है फोटो चलाने की जिम्मेवारी हमारे ऊपर होगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि निष्पक्ष तरीके से सदन को चलाने का मैं काम करूँगा, सबके मान सम्मान के ख्याल रखूँगा और जो प्रोटोकॉल है